एवरीवन, सभी का स्वागत है इस अमेजिंग से सेशन में. दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज. और आज के इस सेशन में हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है. तो बच्चों, आज हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इस चैप्टर से सारे के सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, जो कि हमारी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में. क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जाम के अंदर बहुत बारी ऐसा होता है कि जो सेक्शन ए आता है उसमें मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाता है कि एक पर्टिकुलर पिक्चर वहां पर आ जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि ये क्या डिपिक्ट करती है, क्या इसमें शोकेस किया जा रहा है. और हम ये चीजें काफी बार निग्लेक्ट कर देते हैं, चैप्टर तो देखते हैं बट कभी भी पिक्चर्स का एक्सप्लेनेशन पढ़कर नहीं जाते. और फिर एग्जाम में हमें ऐसा लगता है कि काश हमने वो चीज छोड़ी ना होती, काश वो पढ़ लिया होता तो आज ये नंबर भी हम बटोर लेते. तो मैं आपको वो रिग्रेट करने का मौका ही नहीं दूंगी, क्योंकि अभी जो है मैं इस पर्टिकुलर सेशन में आपको नेशनलिज्म इन इंडिया के सारे पिक्चर बेस के सवाल जो आ सकते हैं, किस किस पर्टिकुलर पिक्चर से आ सकते हैं, हर चीज बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने जा रही हूँ. तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द सेशन. यहाँ पर सबसे पहली पिक्चर पर हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ पर जो आपको चैप्टर में भी सबसे शुरुआत में दिखती है, 6 अप्रैल 1919 की पिक्चर है बच्चों. और इस पिक्चर के अंदर मास प्रोसेशन दिखाया जा रहा है सड़कों के ऊपर जो लोग कर रहे थे. तो मास प्रोसेशन ऑन द स्ट्रीट्स बिकेम अ कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. तो हमारी जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो मास प्रोसेशन एक बहुत कॉमन चीज बन गए थे, जहां पे लोग जो है सड़कों पर उतर कर आ जाते थे, सब साथ में मिलकर प्रोसेशन इस तरीके से किया करते थे. तो उसी चीज को ये शोकेस कर रहा है. नेक्स्ट इमेज पे आते हैं. यहां पर जो इमेज है बच्चों, देखिए इस इमेज के अंदर इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च थ्रू वॉल्ट रस्ट 6 नवंबर 1913. तो गांधी जी जो है यहाँ लीड कर रहे हैं वर्कर्स को फ्रॉम न्यू कैसल टू ट्रांसवाल, वेयर द मार्चर्स वर स्टॉप्ड एंड गांधी जी वॉज अरेस्टेड. थाउजेंड्स ऑफ मोर वर्कर्स जॉइन द सत्याग्रह अगेंस्ट द रेसिस्ट लॉज दैट डिनाइड राइट्स टू द नॉन वाइट्स. सो गाइज, आप लोगों को ये चीज याद होगी कि गांधी जी भारत में तो बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर भी जो रेसिस्ट रेजीम थी बच्चों, जो हमारे व्हाइट यूरोपियंस थे वहां पर नस्ल के बेसिस पे भेदभाव करते थे व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में, तो ये जो रेसिज्म चलता था साउथ अफ्रीका के अंदर उसका भी विरोध करा था गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में. और उसी को ही डिपिक्ट कर रही है ये पिक्चर, जहां पे गांधी जी जो है वो लीड कर रहे हैं इस प्रोसेशन को, वर्कर्स को लेकर जा रहे हैं न्यू कैसल से लेकर ट्रांसवाल तक, और जो वर्कर्स हैं वो सब गांधी जी के साथ यहाँ मिलकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं. गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था और बहुत से वर्कर्स ने इस सत्याग्रह मूवमेंट को ज्वाइन करा था, जो कि रेसिस्ट कानूनों के खिलाफ हो रही थी, वही रेसिस्ट कानून जो कि भेदभाव किया करते थे और नॉन वाइट लोगों को अधिकार नहीं देते थे. ठीक है, तो उसी के खिलाफ ये पूरा का पूरा सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. गांधी जी ने पहले वहीं पे ऑर्गेनाइज करा था, फिर इंडिया में आके उसी को आगे बढ़ाया था. चलिए आगे चलते हैं, आगे आते हैं. तो यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग और दर्दनाक चीज हमको देखने को मिलती है. बच्चों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो सोल्जर्स हैं, पुलिसमैन हैं, व्हाट आर दे डूइंग इज, ये एक इंसान है जो कि रेंग रहा है जमीन पे, क्रॉल कर रहा है. व्हाई इज दिस हैपनिंग? सी, जनरल डायर ने क्रॉलिंग ऑर्डर्स दिए थे और उसी को ही ये ब्रिटिश सोल्जर्स एडमिनिस्टर कर रहे हैं अमृतसर पंजाब इन 1919. सो दिस इज द टाइम ऑफ द जलियांवाला बाग इंसिडेंट. उसी समय की बात है जब अमृतसर के अंदर एक मार्शल लॉ लगा था और कमान जो है जनरल डायर को सौंप दी गई थी, और जनरल डायर ने क्रॉलिंग ऑर्डर्स एस्टैब्लिश करे थे, जिसका ये मतलब था कि इंडियंस को अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो उनको अपने पैरों पर क्रॉल करके जाना होगा. तो काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जा रहा था भारतीय लोगों को इन ऑर्डर्स के जरिए. और आप लोग देख ही सकते हैं कि कैसे जो है ये इंडियंस इस रेंग रेंग कर जमीनों पर जा रहे हैं, तो इन्होंने हमारे साथ ऐसा कुछ सलूक करा है. तो ये उन्हीं क्रॉलिंग ऑर्डर्स को डिपिक्ट कर रही है इमेज, वही शोकेस कर रही है. ऑल राइट, नेक्स्ट इमेज पर चलते हैं. ये जो इमेज है यहां पर दिखाया जा रहा है द बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ इन जुलाई 1922. ओके, तो फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करना, बच्चों आप सभी को याद होगा कि जब हमारी मूवमेंट चालू हुई थी, कौन सी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ये बात है. और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये बोला गया था कि हमें जो है बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं करना है, और उसी टाइम पर ब्रिटिश जो कपड़ा था उसको हमने बॉयकॉट यानी कि ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करना चालू कर दिया था. तो हम लोग देखते हैं कि फॉरेन क्लॉथ को सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक कल्चरल डोमिनेंस देखा जाता था. ऐसा देखा जाता था कि फॉरेन से जो भी सामान आ रहा है अगर इंडियंस उसे पहन भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, तो एक तरीके से हम ब्रिटिशर्स का साथ ही दे रहे हैं.
उनके शासन को चलने दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो सिंबल्स हैं दे रिप्रेजेंट डोमिनेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स ओवर द इंडियंस। ठीक है बच्चों, तो उन्हीं सब चीजों को बॉयकॉट किया जा रहा है। और यहाँ पर देखो पूरी भीड़ है, और इन्होंने हाथ में यहाँ पे इतना बड़ा सा चरखा पकड़ रखा है। चरखा जो था, चरखा रिप्रेजेंट करता था आत्मनिर्भरता को, कि इंडियंस को खुद से जो है अपने लिए कपड़ा बनाना चाहिए, खुद ही इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करना चाहिए, और उसी इंडियन कपड़े को लोगों को यूज करना चाहिए। तो बेसिकली यहां पर हम दो चीजें कर रहे हैं, फॉरेन क्लॉथ को भी बॉयकॉट कर रहे हैं, प्लस वी आर प्रमोटिंग दी इंडियन मेड क्लॉथ। ऑलराइट, बोथ ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग। नेक्स्ट इमेज पर चलते हैं, और ये इमेज काफी फेमिलियर आप लोगों को लग रही होगी, और बहुत से लोग इसको पहचान गए होंगे। तो ये इमेज है बच्चों चौरी चौरा इंसिडेंट की ऑफ 1922। बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोका ही इसलिए गया था क्योंकि ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट बच्चों, चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर के अंदर, यहां पर एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था बाजार के अंदर, जो कि काफी ज्यादा वायलेंट क्लैश में तब्दील हो जाता है विद द पुलिस, एंड इसमें बहुत सारे पुलिसमैन को मार दिया गया था हमारे सत्याग्रही द्वारा। एंड हियरिंग ऑफ दिस इंसिडेंट, गांधी डिसाइडेड टू कॉल अ हॉल्ट टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, जो कि गोरखपुर में हुआ था। और इस इंसिडेंट में ऐसा हुआ था बच्चों कि हमारे सत्याग्रही और पुलिस के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जिसके बाद बहुत सारी वायलेंस हिंसा हो जाती है, हिंसा के बाद बहुत लोगों की जानें चली जाती हैं। तो जब गांधी जी को पता चलता है कि यार मैंने तो नॉन कोऑपरेशन चालू करा था और लोगों को स्पेसिफिकली बताया था कि वी डू नॉट हैव टू गेट वायलेंट, हमें जो है बिल्कुल भी हिंसक नहीं होना है, बट क्योंकि इतनी ज्यादा हिंसा हो गई है तो गांधी जी ने इस हिंसा को देखते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ही रोक दिया, वहीं पर खत्म कर दिया आफ्टर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। ऑलराइट, सो दिस इमेज इज शोकेसिंग दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट ओनली। ओके, आगे देखिए। ओके, तो यहां पर एक सिंपल सी मीटिंग दिखाई जा रही है, कांग्रेस लीडर्स जो इलाहाबाद में मिल रहे हैं 1931 में। सो अपार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी, यहाँ पर गांधी जी तो आपको दिख ही रहे हैं बच्चों, ये रहे, ठीक है, अगर पहचाने नहीं जा रहे तो बता देते हैं आपको। जो है यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दिखेंगे, जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठे हैं, उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो एक्सट्रीम राइट में बैठे हैं, और सुभाष चंद्र बोस जो कि फिफ्थ फ्रॉम द राइट, सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं और ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। और आप देखिए बच्चों कि हमारे लिए दीज पर्सनैलिटीज आर सो बिग, है ना, हमारे लिए दीज आर लाइक लेजेंडरी पर्सनैलिटीज, बट कैसे ये लोग इतनी सभ्यता से जमीन पर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, तो वो काफी दिखाता है कि दीज पीपल आर वेरी हम्बल, है ना। तो इट इज डेफिनेटली शोकेसिंग दैट। ऑल राइट, नेक्स्ट इमेज पर आते हैं। तो ये इमेज तो सभी को पता ही है, दिस इज द डांडी मार्च, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, डांडी मार्च की इमेज है, जहां गांधी जी लेकर निकल पड़े थे सॉल्ट मार्च, महात्मा गांधी अकंपनीड बाय 78 ऑफ हिज वॉलंटियर्स ऑन द वे, दे वर जॉइंड बाय थाउजेंड्स। तो गांधी जी बच्चों निकलते हैं, बेसिकली इसका पूरा अगर मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बताऊं, नॉन कोऑपरेशन खत्म होने के बाद गांधी जी ने डिसाइड करा कि अब हम लोग एक फुल फ्लेज्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो उन्होंने क्या करा था, एक चिट्ठी लिखी थी वायसरॉय इरविन को, और वहां पर 11 डिमांड्स करी थी, जिसमें सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करने की डिमांड भी थी, कुछ जनरल डिमांड्स थी, कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी। ये सारी डिमांड्स करते और वो कहते कि अगर आप एक स्पेसिफिक डेट तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं करोगे तो उसके अगले दिन से ही हम लोग सॉल्ट मार्च पे निकल पड़ेंगे। और बच्चों गांधी जी ने वही करा। तो क्योंकि वायसरॉय इरविन ने गांधी जी की ये बातें मजाक में ली, तो गांधी जी ने उसके अगले दिन ही सॉल्ट मार्च चालू कर दी अपने आश्रम साबरमती से लेकर वो डांडी जो एक कोस्टल टाउन है गुजरात में, वहां तक अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स को लेकर चलते हैं, जो कि उन्हें लगा था कि क्योंकि गांधी जी बहुत तेज चलते थे तो उन्हें लगा कि ऐसे वॉलंटियर्स होने चाहिए जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर बहुत तेजी से चल सके। तो उन्होंने वही 78 वॉलंटियर्स को पकड़ा और वो साबरमती से लेकर डांडी तक गए। डांडी में जाकर उन्होंने सी वाटर को बॉयल करके, इवेपोरेट करके सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करा। तब तक क्या था कि सिर्फ सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करना सिर्फ ब्रिटिशर्स के हाथों में था, ओनली द ब्रिटिश कुड डू दैट, वही जो है सॉल्ट बना सकते थे, नमक को बनाने का अधिकार उन्हीं के पास था, मोनोपोली उन्हीं के पास थी। बट अभी जो है ये सब कर कर गांधी जी ने उस मोनोपोली को तोड़ा, उस मोनोपोली को ब्रेक करा, एंड इसी सेम तरीके से उन्होंने सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट लॉ, हर चीज अबॉलिश करी। और सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ही यही था कि हमें जो है ब्रिटिशर्स को डिसओबे करना था, उनका निरादर करना था, उनके जो कानून बने हुए थे उनके अगेंस्ट जाना था। सो ही डिड दैट। ऑलराइट, पर याद रखेगा कि ही वॉज जॉइन बाय 78 ऑफ हिज वॉलंटियर्स। ओके, नेक्स्ट,
यहाँ पर जो ये पिक्चर बनी हुई है, दिस पिक्चर शोकेसेस द वुमेन हु जॉइंड द नेशनलिस्ट प्रोसेशंस. सो इन दिस इमेज वी कैन सी देयर वर अ लॉट ऑफ वुमेन, बच्चों बहुत सारी महिलाओं की जो भागीदारी थी वो नेशनलिस्ट प्रोसेशंस में देखने को मिलती है. ऑल्दो सामाजिक तौर पर महिलाओं का रोल चेंज नहीं हुआ था, अभी भी महिलाओं को वैसे व्यू करा जाता था कि वो सिर्फ घर तक सीमित है, घर में उनका उनको जो अपने बच्चों का, सास ससुर का, पति का, इन सबका ख्याल रखना है, खाना बनाना है, वहीं तक सीमित है. तो रोल तो नहीं चेंज हुआ था, बट यस स्टिल वी कैन सी दैट अ लॉट ऑफ वुमेन हैव पार्टिसिपेटेड इन द लाइक नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, हर चीज में उन्होंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करा है. तो नेशनल मूवमेंट के दौरान बहुत सी महिलाएं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन देयर लाइव मूव्ड आउट ऑफ देयर होम्स ऑन टू अ पब्लिक अरेना. अमंग्स द मार्चर्स यू कैन सी मेनी ओल्ड वुमेन मदर्स विद चिल्ड्रन इन देयर आर्म्स. और यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनमैरिड औरतें हैं यहाँ पर, बहुत सी महिलाएं अपने बच्चों के साथ तक लेकर निकल गई, बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं भी आपको इन मार्चेस में दिखेंगी. तो इससे पहले तक क्या होता था, महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित रहती थी, बट एटलीस्ट इवन दो देयर सोशल रोल डिड नॉट चेंज, स्टिल वी कैन सी दैट अ लॉट ऑफ वुमेन हैव पार्टिसिपेटेड इन दीज प्रोटेस्ट मार्चेस. और घर से वो एटलीस्ट निकल कर आई पब्लिक एरिया में, अरेना में, कुछ ना कुछ उनकी रिप्रेजेंटेशन तो देखने को मिली है. बच्चों ऐसी बात नहीं है, बहुत सी महिलाएं गिरफ्तार भी हुई थी इस टाइम पे, ठीक है. तो हिम्मत करी है और निकल कर आई है घर से बाहर और हिस्सा भी लिया है. इसके बाद ये इमेज आती है बाल गंगाधर तिलक की, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी का प्रिंट है. बच्चों इस इमेज में देखो बीच में आपको बाल गंगाधर तिलक दिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है स्वदेशी एंड स्वदेशी विल वी आर फॉर एवर विल बी आर क्राई फॉर एवर. ओके ओके स्वदेशी एंड स्वदेशी विल बी आर क्राई फॉर एवर. सो बेसिकली ये स्वदेश की बात कर रहे हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं, भारत देश की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए लिखा है नोटिस हाउ तिलक इज सराउंडेड बाय द सिंबल्स ऑफ यूनिटी द सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिफरेंट फेथ्स टेम्पल चर्च मस्जिद फ्रेम द सेंट्रल फिगर. तो बच्चों आप लोगों को दिख रहा है टेम्पल है, मस्जिद है, चर्च है, ठीक है. तो ये सारे सिंबल्स बनाए गए हैं और एक तरीके से पूरे प्रिंट में ये जो इमेज बनाई गई है इसमें यूनिटी को शोकेस किया जा रहा है, एकता जो है, जो अलग अलग धर्मों के बीच में एकता मौजूद है उसी को शोकेस किया जा रहा है कि भारत देश एक है और उसके अलग अलग जो हम बोल सकते हैं जो डाइवर्सिटी है उसको शोकेस करा जा रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बेसिकली. ओके ये इमेज से तो सब इस इमेज को तो एकदम झटके से पहचान लेंगे. ये जो इमेज है ये भारत माता की इमेज है जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा पेंट करी गई थी 1905 में. तो नोटिस दैट द मदर फिगर हियर इज शोन एज डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड क्लोदिंग द माला इन वन हैंड एम्फसाइजेस हर एस्थेटिक क्वालिटी. तो बच्चों बेसिकली इस इमेज को अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंट करा था, याद रखिएगा. और इस फिगर के अंदर भारत माता को, जो कि भारत देश की एलिगरी बनाई थी, भारत देश की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाई थी, यहाँ पर एक तरीके से वो क्या है, लर्निंग फूड क्लोदिंग बेसिक नेसेसिटीज जो होते हैं ना, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, ठीक है, फूड, खाना, और साथ ही में एक माला पकड़ के खड़ी है. तो एक साध्वी की तरह इस इमेज को, काफी सिंपल, काफी एस्थेटिक साधु की तरह इसको कंस्ट्रक्ट करा गया है, जहां पे भारत माता एक बहुत प्योर एस्थेटिक साध्वी फिगर की तरह दिखाई दे रही हैं. साथ ही में हाँ माला इसलिए रखी गई है उनको एक साध्वी की तरह दिखाने के लिए, और साथ ही में बाकी जो चीजें हैं जैसे एजुकेशन, फूड, क्लोथ्स, विच आर अ नेसेसिटी, उन चीजों को वो डिस्पेंस कर रही हैं, अपने लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं, सॉर्ट ऑफ वैसे उनको शोकेस किया गया है इस इमेज के थ्रू. ऑल राइट, फिर आ रहे हैं जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत पॉपुलर प्रिंट है जहां पर हम देख सकते हैं कि नेहरू इज शोन होल्डिंग द इमेज ऑफ भारत माता इन द मैप ऑफ इंडिया क्लोज टू हिज हार्ट. तो नेहरू जी ने भारत माता और जो इंडिया का मैप है उसकी इमेज जो है अपने दिल के पास पकड़ के रखी हुई है. इन अ लॉट ऑफ पॉपुलर प्रिंट्स द नेशनलिस्ट लीडर्स आर शोन ऑफरिंग देयर हेड्स टू भारत माता. द आइडिया ऑफ सैक्रिफाइस फॉर द मदर वॉज पावरफुल विद इन द पॉपुलर इमेजिनेशन. बहुत सारे ऐसे भी पॉपुलर प्रिंट्स उस टाइम पर आए थे बच्चों, जहां पर जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो अपना सर कुर्बान कर रहे हैं भारत माता को. तो एक तरीके से उस टाइम पर जो सैक्रिफाइस का पूरा भाव था कि हम अपने देश के लिए वी आर सैक्रिफाइसिंग आवरसेल्व्स, तो वो काफी पॉपुलर था उस टाइम पे, ठीक है, कि नेशनलिस्ट लीडर्स को ऐसे शोकेस करा जाता था दैट दे आर ऑफरिंग देयर हेड्स टू भारत माता. तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं, कुर्बान होने को तैयार हैं. तो उस तरीके के प्रिंट्स भी काफी ज्यादा पॉपुलर थे. ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भारत माता की एक और इमेज है. इसमें भारत माता बिल्कुल फियर्स दिखाई गई है. तो ये जो फिगर है भारत माता की बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है टू दी अदर वन विच वॉज पेंटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर. हेयर शी इज शोन विद अ त्रिशूल स्टैंडिंग बिसाइड अ लायन एंड एलिफेंट, बोथ सिंबल्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. तो यार ये तो बिल्कुल उल्टी है उस इमेज की जो कि
अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई थी। वहां तो भारत माता एक शांत शांत काम कंपोज डिवाइन सी फिगर दिखाई गई थी, बट यहाँ पर उनको काफी स्ट्रांग दिखाया गया है, जहां पे देखो शेर और हाथी जो कि बहुत अथॉरिटी एक डोमिनेंस को सारे, शेर जंगल का राजा है ना, तो वो वाली चीज एस्टैब्लिश कर रही है ये इमेज, हाथी वैसे ही इतना पावरफुल, तो उन्हीं के साथ खड़ी है भारत माता बिल्कुल ऐसे कैजुअली, बिल्कुल कोई उन्हें डर नहीं लग रहा है, और भारत माता काफी स्ट्रांग से दिखाई गई है, त्रिशूल पकड़ के हाथ में और खड़ी है। तो जैसे हमने देखा था ना जर्मेनिया हाथ में तलवार पकड़ के खड़ी थी, तो यहाँ पर हमारा देसी त्रिशूल पकड़ के भारत माता खड़ी है और काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई गई है। इट्स अ लाइक टिपिकल कॉन्ट्रास्ट टू द वन दैट वॉज पेंटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑल राइट, इसी के साथ हमारे सारे जो हैं बच्चों यहाँ पर जितने भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस थे फ्रॉम दिस चैप्टर दे आर कंप्लीटेड। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग, आप सभी ने अगर संकल्प भारत की ऐप इंस्टॉल नहीं करी है तो फटाफट से जाके कर लीजिए, क्योंकि बच्चों उस ऐप के अंदर आप लोगों को बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता है लाइक क्विज एंड सैम्पल पेपर्स। अलॉन्ग विद दैट अगर वहाँ पे क्लासेस है तो उनके नोटिफिकेशन, पोल्स, हैंड रेज करने की बात और बहुत सारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप लोग देख सकते हो, स्पीड भी ऑल्टर कर सकते हो अपने अपने हिसाब से। साथ ही में हम एक और चीज़ देखें तो वो ये है कि हमारा जो क्रैश कोर्स है बच्चों उसकी बात कर लेते हैं। लिमिटेड सीट्स उसमें बची हैं और कोड लगाना है SBYT, और अगर आप ये कोड लगा के कोई भी क्रैश कोर्स को परचेज करते हैं इन तीनों में से तो आपको डिस्काउंट मिलेगा फ्लैट 25% का। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं संकल्प भारत जो क्रैश कोर्स है जहाँ पे हर सब्जेक्ट के वन शॉट लेक्चर्स, 6 सैम्पल पेपर्स ईच फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है इस कोर्स के अंदर जस्ट फॉर ₹999। अगर आपको सिर्फ सैम्पल पेपर्स का कोर्स लेना है तो वो आपको मिल रहा है ₹499 का, और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स का कोर्स लेना है जो कि मैं हर किसी को बोलती हूँ कि ले ही लो, तो ये टीचर्स द्वारा खुद से बनाए गए हैंड रिटन नोट्स हैं बच्चों, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे जब एग्जाम एकदम आने वाला होगा सर पे, ठीक है, तो उसकी रिविजन के लिए। सो यू कैन ऑल्सो परचेज दिस। याद रखिएगा सैम्पल पेपर वाला ऑलरेडी, अगर ये वाला कोर्स परचेज करो तो इसमें सैम्पल पेपर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, बट हैंड रिटन नोट्स आपको अलग से ही लेना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब जल्दी से जाइए यार, देरी किस चीज़ की है, फटाफट से जाकर ऐप को इंस्टॉल करिए, कोर्स में आइए और वहाँ पर आप लोगों को एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में अपनी बोर्ड्स की तैयारी के लिए जो जो मटेरियल चाहिए हर चीज़ मिल रही है। तो जल्दी से आओ एंड थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक्ड टुडेज सेशन। बहुत मदद करी होगी इस सेशन ने आप लोगों की, सारे जो हैं बच्चों आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी इस शॉर्ट सी टाइम ड्यूरेशन में, जितने भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं तो अब तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और किस चैप्टर के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आपको चाहिए या फिर जो ब्लू बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस चाहिए या टेबल वाले क्वेश्चंस चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट एंड लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू लेटर, बाय बाय एंड टेक केयर।